वो VVIP एंट्री है, यहाँ से हम लोग की एंट्री नहीं है, VVIP एंट्री। अरे इधर ना तू, क्या आवाज लग गई थोड़ी देर में, अभी आवाज लग गई। क्या नाम है आपकी लड़की का? गुड़िया डिबाई की, अभी आवाज लगवा दी, माइक चालू। शायद क्योंकि गुरुजी की व्यवस्था ऐसी होती है, पीछे जो है वो VVIP एंट्री है, यहाँ से हम लोग की एंट्री नहीं है, VVIP एंट्री है। तो शायद आम श्रद्धालुओं के लिए अलग से एंट्री है और VIP लोगों के लिए अलग से एंट्री है। यहाँ पर कुछ जा पा रहे हैं, कुछ नहीं जा पा रहे हैं, तो यही चीज़ आपको दिखा रहे हैं ये व्यवस्था किस तरीके की। हमें तो हमारे तो समझ में आई नहीं, लेकिन VVIP एंट्री अलग है और आम लोगों की एंट्री अलग है। फिलहाल ये है, और गुरुजी जो है इस मार्ग से आएंगे और इस मार्ग से अंदर की तरफ निकलेंगे, वो शड़ामा आपको दिखाएंगे। पुलिस की व्यवस्था आप देखिए उधर की साइड, पुलिस ने जो कहा है कि सभी लोगों को बाहर निकालने के लिए बोला है, जितने लोग हैं बाहर की तरफ जाएं और साथ में जो आम पब्लिक है उसको बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। सब लोग जो भी है यहाँ से हटो, आप लोग इधर की तरफ से, एंट्री बंद हो चुकी है पूरी तरीके से। और क्योंकि गुरुजी हैं वो इसी मार्ग से अंदर की तरफ आएंगे। यहाँ पर श्रद्धालु हैं, कुछ नाराज़ हैं, कुछ खुश हैं, लेकिन फिलहाल इधर से जो है एंट्री बंद कर दी गई है और यहाँ से ही एंट्री होगी। जो पुलिस व्यवस्थाएँ हैं वो और ज़्यादा कड़क करी जा रही हैं ताकि गुरुजी को किसी भी तरीके की कोई भी दुविधा ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति उनसे न टकराए जो उनकी इच्छा के विरुद्ध हो। इधर आप देखिए व्यवस्था को चाको चौबंद किया जा रहा है, आगे की तरफ थोड़ा सा पूरा पोर्टल जो है वो खाली कर दिया गया है, यहाँ से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। उधर की तरफ दिखाइए, यहाँ से लोगों को बाहर की तरफ निकाला जा रहा है क्योंकि पंडाल में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग घुस आए हैं, जिसकी वजह से व्यवस्था जो है थोड़ी कम हो गई है। मीडिया देख रहे हैं तंग हो गई है व्यवस्था, लेकिन दोबारा से व्यवस्था को चारों को चौगन किया जा रहा है। पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं, महिला पुलिस यहाँ पे तैनात है ताकि वो जो महिला श्रद्धालु हैं उनसे जाके बात करें और उनको बाहर की तरफ निकाल दें। अभी महाराज आने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, और जो लोग हैं जो उनके बहुत करीबी लोग हैं उनकी शायद यहाँ से एंट्री हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, कहने को आप कह सकते हैं VIP लोग हैं जिनकी एंट्री की जा रही है। VIP नहीं, ये कमेटी के लोग हैं जो सारा कुछ देख रहे हैं इनके। अरे ये वही है जो इनके अपने करीब धाम की जय। महाराज के आने का समय बस कुछ ही दूर है, कुछ ही दूर में महाराज आ जाएंगे और लोग कोशिश कर रहे हैं इधर से आने की। कुछ लोग आ रहे हैं अभी भी, जो उनके सिक्योरिटी में लोग हैं वो पूरी व्यवस्था को संभाले हुए हैं और अभी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी एंट्री हो जाए किसी भी तरीके से। सब एक झलक पाने मात्र के लिए लाइन में कतार में लगे हुए हैं और अभी भी पंडाल के बाहर आप देखेंगे, आप दिखाइएगा तो कुछ महिलाएं खड़ी हुई हैं। पंडाल को पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है, जो पुलिस व्यवस्थाएं हैं वो चाको चौबंद हो रही है क्योंकि जरा सी भी चूक नहीं चाहते उनकी सिक्योरिटी में। अभी फिलहाल उनकी सिक्योरिटी में जरा सी चूक नहीं चाहते, तो वो पूरी जो पंडाल है उसको एक तरीके से आम लोगों से खाली किया जा रहा है। और
अरे उधर से निकलो तो फिर इधर से पानी मिल देखिए आप किस तरीके से महिला पुलिस जो है वो समझा रही है महिलाओं को कि कृपया आप इस पंडाल से ना आए। दूसरी तरफ से गेट जो है वो लगाया गया है। मैं कोशिश करूंगा जो सिक्योरिटी में लोग हैं उनसे बात करें और उनसे बताएं। भैया एक मिनट जरा, जैसे इधर से एंट्री नहीं होता था महाराज आएंगे तो लोगों की एंट्री किधर से? लोगों की एंट्री सामने से है, बिल्कुल यहाँ से। किसी भी प्रकार के लोग नहीं 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 यहाँ लोग महाराज जी के दर्शन करने के लिए आगे आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं, कोई इधर VIP कल्चर नहीं है? नहीं, VIP कल्चर ये VIP कल्चर अलग अलग है। अच्छा, मतलब VIP लोग हैं लेकिन उसका द्वार अलग है, जो आम लोग हैं उसका द्वार पीछे से है, तो वो भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल हम वेट कर रहे हैं कि गुरु जी आएँ और उनको आपको सीधे लाइव आपको उनको दिखाएं कि किस तरीके से आते हैं लोगों में, किस तरीके से और ज़्यादा उत्साह पैदा होता है उनकी एक बस झलक मात्र के लिए। यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई, आप आगे की तरफ आइए। आगे ये किसी पुलिस से किसी तरह के कुछ वाद विवाद हो रहा है? पुलिस अपना काम कर रही है, वो सिक्योरिटी में कुछ भी ऐसा नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की कोई अरे धरा ना। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है लेकिन लोगों को संभालना थोड़ा भारी पड़ रहा है। अरे श्रद्धालु लोगों को संभालना पुलिस के लिए थोड़ा भारी पड़ रहा है यहाँ पर। और लोग हैं कुछ, पुलिस से बहस भी हो रही है लोगों की उनको अंदर की तरफ एंट्री मिले। आवाज लग जाएगी, थोड़ी देर में लगेगी, खूब बंद है। अम्मा जी अभी आवाज़ लग जाएगी। क्या नाम है आपकी लड़की का? गुड़िया डिवाई की। अभी आवाज़ लगवा दी, थोड़ी माइक चालू होने वाला है। ठीक है, आप जोड़ लेंगे, अभी भिजवा देंगे आपके पास। ठीक है, माइक चालू होने वाला है। देखिए महिला पुलिस भी यहाँ पे तैनात है, कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। शायद लोगों को श्रद्धालुओं को समझ में नहीं आ रहा लेकिन पूरी कोशिश है पुलिस की, पुलिस बल पूरा तैनात है यहाँ। इंस्पेक्टर लेवल से सिपाही पुलिस सब लोग यहाँ पे लगे हुए कोशिश कर रहे हैं अंदर कोई भी ना आए। महिला पुलिस अलग से तैनात है, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी इतनी ज़्यादा भीड़ में इतनी तेज व्यवस्था में इतनी थोड़ी ना बहुत चूक आ जाती है। बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर जो पुलिस स्टाफ है, जो अधिकारी हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं कि व्यवस्था बनाई जाए, पूरी कोशिश कर रहे हैं। हटो यहाँ से पीछे।
लोहे कहेंगे या तो बोल्ट में दोगे, एक रोड लगाएगी फिर गोदी में दर्द हो रहा है बच्चे हेलमेट तो पीछे जाओ यहाँ से। चोट लगी उसके मुंह पे लग गई है एंगल यहाँ पे तब भी नहीं हट रही है ना लगी वो धक्का मार दो वन कौन कौन लोग धक्के मारेंगे और क्या होगा कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं मारेगा तो